बहुत से व्यूअर्स मेरे 3D सोलर सिस्टम के वीडियो पे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर हमारे पास थर्मोकोल बॉल नहीं है तो हम कैसे अपना 3D सोलर सिस्टम बनाएं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बिना थर्मोकोल बॉल के प्लेनेट कैसे बना सकते हैं। बलून लेंगे और टिश्यू पेपर को ग्लू से इसके ऊपर रोल कर देंगे। तो चलिए इसको रोल करते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे इसके ऊपर लगा देंगे टिश्यू पेपर, पेस्ट कर देंगे। ड्राई होने के बाद ये एक टिश्यू पेपर बॉल बन जाएगा। तो सबसे पहले इसे हम पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए अभी इस पे मैं ग्लू लगा रही हूँ। ऐसे ही हम बहुत सारे लेयर लगा लेंगे। इस तरीके से हम बलून में बहुत सारे लेयर लगाएंगे। ये मेरा फर्स्ट लेयर चल रहा है कुछ इस तरह। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको थर्मोकोल बॉल नहीं मिल रहे या आपके पास नहीं है, इस तरीके से आप थर्मोकोल बॉल बना सकते हैं। ये थर्मोकोल नहीं है, टिश्यू पेपर बॉल है। आइए जल्दी जल्दी से सारे लेयर कंप्लीट करके इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। मैं जल्दी जल्दी करूंगी कुछ इस तरह। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कुछ इस तरह। मैं राउंड राउंड करके इसे पूरे लेयर्स को ले। अभी कुछ ऐसा लग रहा है। मैं इसे थोड़ा सा फिनिशिंग टचअप दे रही हूँ। जब ये सूख जाएगा हम इस बलून को फोड़ देंगे। उसके बाद ये एकदम वॉल बन जाएगा, इसलिए हमने इधर भी थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट किया है टिश्यू। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो टिश्यू पेपर वॉल है वो सूख चुका है। अब हम इसको और इसका जो स्ट्रक्चर है इसे बाहर निकालेंगे। तो आइए अब इसे फोड़ते हैं। मैं इसे कट कर दूंगी तो इसकी सारी हवा चली जाएगी। फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा स्पीयर बन गया। अब हम इस टिश्यू बॉल को इस सोलर सिस्टम में यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास थर्मोकोल बॉल नहीं है तो आप टिश्यू पेपर बॉल को की जगह यूज कर सकते हैं। ये तो मेरा बना बनाया प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं आपको इसे सन बना के दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा। फ्रेंड्स हमने जो टिश्यू बॉल बनाया था हमने उसके अंदर लाइट डाली, अब वो कुछ ऐसा लग रहा है। लग रहा है ना जलता हुआ सूरज जैसे हमारे सोलर सिस्टम में। फ्रेंड्स अगर आपके पास थर्मोकोल बॉल अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे ही डिफरेंट साइज के टिश्यू बॉल बना के अपने सोलर सिस्टम में यूज कर सकते हैं, जैसे हमने सन बनाने के लिए यूज किया है। फ्रेंड्स बेसिकली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि अगर मेरे पास थर्मोकोल बॉल नहीं है तो हम थर्मोकोल बॉल घर पे कैसे। अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे बना सकते हैं इन सारे प्लैनेट्स को। आपको जिस साइज का प्लैनेट बनाना है आपको उसी साइज का बलून को फुलाना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको मेरे ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टिंग टिंग वाले बेल को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप उसे प्रेस नहीं करेंगे तो आप मेरे ऐसे वीडियोस कैसे देख पाएंगे। वही तो सारे आपके नोट